रेगिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और देवभूमि मंथन में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कोटद्वार की, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने डकैती के एक मामले का महज 10 दिनों के भीतर खुलासा कर दिया है। तो कोटद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर में बीते 25 दिसंबर को बंदूक की नोक पर एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें कोटद्वार पुलिस ने महज 10 दिनों के भीतर ही डकैती का खुलासा कर दिया है। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने आज कोटद्वार पहुंचकर इस बड़ी डकैती का खुलासा किया, जिसमें एसएसपी पौड़ी गढ़वाल ने बताया कि जिनके घर डकैती हुई इसके पीछे उन्हीं के रिश्तेदार का हाथ था, जिसने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 डकैत मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के डकैतों का सहारा लेकर इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक द्वारा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम को उत्साहवर्धन दिया गया है और पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से 3 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस समेत 2.6 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। उसमें कल हमारा कोटद्वार की टीम द्वारा मुजफ्फरनगर में 5 अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया था। 5 अक्यूज़ से हमने कितना भी यहाँ पर लूट में सामान मिला था वो सामान बरामद हुआ है। उसमें कैश भी है, ज्वेलरी भी है। उसके अलावा घटनाक्रम में उन लोगों ने यूज़ किया था 3 गाड़ी बरामद हुआ है और तमंचा चाकू वगैरह भी बरामद किया है। सो उनसे पूछताछ पर यह पता चला था और 2 अभियुक्त हैं इस मुकदमा में, अभी वांछित चल रहे हैं। एक प्रवीण है, वो इस घटना का मतलब वादी है, उनकी रिलेटिव है। सो उन्होंने इनके घर के बारे में सूचना दिया है, इसी से इन लोगों ने प्लान करके ये घटना किया था। सो वो अभी वांछित है। एक और अंकित हैं, सो वो भी वांछित है। सो हम अभी प्रयास करेंगे उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया हुआ है। सतपुली से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक घायल हुआ है। आपको बता दें कि 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, जो एक कार है वो अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई थी, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो उत्तराखंड के सतपुली के पास चौबट्टा खाल में अमूठा कटुली मोटर मार्ग पर ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होने से कार में सवार प्राइवेट डॉक्टर की मौत हो गई है, जिसमें कार में सवार एक शख्स घायल हुआ है। उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे अमूठा कटुली मोटर मार्ग पर मुलियासारी के पास पाटीसैंड की ओर से आ रही ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर नीचे खेत में जा गिरी। बारिश होने के कारण दुर्घटना का पता नहीं चल पाया। जब दोपहर में कटुली गांव के एक युवक ने दुर्घटना की सूचना दी, जिसमें पता चला कि ग्राम ज्वेरल निवासी प्राइवेट डॉक्टर मनोज पसबोला, जिसकी उम्र 47 साल है, वो अपनी कार में सवार होकर पाटीसैंण आ रहे थे और उनके साथ थपुल गांव निवासी चिंतामणि पसबोल, जिनकी उम्र 55 साल है, वो मौजूद थे। सूचना मिलते ही पाटीसैंण चौकी प्रभारी केडी शर्मा समेत व्यापारी मौके पर पहुंचे और दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटीसैंण लाया गया, जहां डॉक्टरों ने डॉक्टर मनोज पसबोला को मृत घोषित कर दिया, जबकि चिंतामणि पसबोला की हालत को गंभीर देखते हुए 108 की मदद से बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर किया गया है। तो सड़क हादसे की यह खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक घायल हुआ है। खबर सतपुली से है, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन नशे के सौदागरों के पास से 42 किलो गांजा बरामद किया गया है। तो सतपुली पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तस्करों के पास से 42 किलो गांजा बरामद किया है। पौड़ी गुडवाल के सतपुली में सुबह 7 बजे के आसपास थाना मोड़ पर थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल की अगुवाई में चल रही चेकिंग के दौरान 2 लोगों को 42 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष संतोष पेथवाल ने बताया कि सुबह करीब 6:30 पर उफरेखाल थालीसैंड से आ रही मारुति वैगन आर और उसमें सवार जो लोग थे उनके पास 42 किलो गांजा था। उसमें जो लोग सवार थे उनमें मुनेश कुमार पुत्र केवल सिंह निवासी नसीरपुर बनवारी थाना धामपुर बिजनौर और देवराज पुत्र हरपाल निवासी सरगना थाना धामपुर को पकड़ा गया है। साथ ही दोनों के पास से 1,70,760 रुपए भी बरामद किए गए हैं। दोनों अभियुक्त के विरुद्ध NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष संतोष पेठवाल, कांस्टेबल मनोज कुमार, सूरवीर सिंह, महेंद्र कन्याल मौके पर मौजूद रहे। तो पहाड़ों पर नशे के गिरोह का पुलिस ने यहां पर पर्दाफाश किया है। दो युवकों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 42 किलो गांजा बरामद किया गया है और पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। दरअसल पहाड़ों पर भी अब जो नशे के सौदागर हैं वो अपना जाल बिछाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। ये आज सुबह हम लोगों ने अपने रूटीन चेकिंग में दो लोगों को अवैध गांजे के साथ पकड़ा है जिसकी मात्रा करीब 42 किलो है और ये लोग इस गांजे को उपरिया खाल अलीशैन से लेके आ रहे थे और जिसको ये लोग अपने एक छोटे वाहन है वैगन आर इससे परिवहन करके और धामपुर ले जा रहे थे। इनको हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग में पकड़ लिया और जिनके खिलाफ अब थाने पे मुकदमा भी कायम कर दिया और आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। ये आज अगले साल हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है लेकिन जो किन्नर अखाड़ा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसको लेकर के अखाड़ा परिषद भी दो धड़ों में बंटता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और कुंभ से पहले संतों की सरार से सरकार भी सत्ते में नजर आ रही है। किन्नर अखाड़ा को कुंभ मेला 2021 में प्रतिबंध लगाए जाने पर अखाड़ा परिषद में ही दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं क्योंकि आगामी कुंभ से पहले संतों की इसरार से सरकार भी सत्ते में है। हालांकि अभी तक अखाड़ों की आपसी लड़ाई का कोई भी राजनीतिक बयान नहीं आया है। अगर भविष्य में संतों की तकरार बढ़ेगी तो कुंभ भव्य होना आसान नहीं होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जिस तरह किन्नर अखाड़ा का कुंभ स्नान पर विरोध किया है उसका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने विरोध किया है और महामंत्री पद से इस्तीफा देने तक की बात कही है और कहा है कि जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़े के साथ है। वही किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़ा परिषद को खुली चुनौती दे डाली है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि वो हरिद्वार कुंभ मेले में जूना अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अखाड़ा परिषद द्वारा हरिद्वार कुंभ में किन्नर अखाड़े पर लगाए गए रोक की निंदा करते हुए किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि 2021 के हरिद्वार कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ जरूर शाही स्नान करेगा और अखाड़ा परिषद की जो प्रयागराज में बैठक हुई और कुछ चुनिंदा लोग किन्नर अखाड़े के लिए निर्णय लिया, मैं इस निर्णय को नकारती हूँ क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है। किन्नरों का वजूद आज से नहीं अनंत आदिकाल से है। सत्य सनातन धर्म में किन्नर हमेशा रहे हैं और रहेंगे। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और किसी के द्वारा दी गई मान्यता की भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर अब अखाड़ा परिषद दो धड़ों में बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको लेकर के यहां पर विवाद गहराता नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो किन्नर अखाड़ा है उसको लेकर के जो ये रार संतों में चल रही है उसका क्या नतीजा होता है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी होती है या नहीं उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 2021 के कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ जरूर शाही स्नान करेगा। पिछले दिनों में जो बैठक हुई प्रयागराज में और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के चुनिंदा लोगों ने किन्नर अखाड़े के ऊपर कटाक्ष करते हुए कुछ शब्द कहे, उन सारे शब्दों को मैं नाकार करते हुए और उन शब्दों का वजूद कहीं नहीं है क्योंकि किन्नरों का वजूद आज से नहीं है अनंत आदि काल से है। सत्य सनातन धर्म में किन्नर थे, हैं और रहेंगे। मुझे किसी के सर्टिफाइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। मैं 2016 से 2015 से कह रही हूँ जब से किन्नर अखाड़ा गठन हुआ। 2019 में जूना अखाड़े ने पुरुषार्थ दिखाते हुए किन्नर अखाड़े को अपना बनाया और किन्नर अखाड़े को अपने साथ लेके शाही स्नान किया। 2021 में भी हम शाही स्नान करेंगे। हरिगिरी महाराज और पूरे जूना अखाड़े को नमन है कि उन्होंने बदलते समय में अपने सनातनी बच्चों को अपने साथ रखा और अपने साथ लेके चल रहे। दूसरे अखाड़ों को यही बात सीखनी चाहिए। चारे माह में किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़ा कभी भी शामिल कर सकता अपने अंदर और वो जूना अखाड़े के शाही स्नान में स्नान करेंगे। जैसे डंडी वाड़ा भगवान शंकराचार्य अपने बोर्ड बैनर के साथ नहाते हैं, अग्नि अखाड़ा भी अपने बोर्ड बैनर के हिसाब से नहाता है।
आवाहन अखाड़ा भी बैनर अपने बोर्ड के हिसाब से नहाता है, उसी प्रकार से किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़ा जो है वो अपने में शामिल करके उन्हीं के बैनर उन्हीं के मतलब जो है बोर्ड आदि पे उनकी पहचान रखते हुए जूना अखाड़ा स्नान कराएगा। किन्नर अखाड़े को के लोगों को जल्द ही मालिकाना हक मिलेगा, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कही है विधायक मीना गंगोला ने। दरअसल स्थानीय लोगों के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें विधायक मीना गंगोला भी मौजूद थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। तो बेरीनाग चौकोड़ी के लोगों को जल्द ही मालिकाना हक मिलेगा, सरकार के स्तर पर कार्रवाई चल रही है, ये बात विधायक मीना गंगोला ने एसडीएम अभय प्रताप के साथ स्थानीय लोगों के साथ बैठक के दौरान कही है। बैठक के दौरान विधायक ने स्थानीय स्तर पर भूमि के मालिकाना हक के संदर्भ में कार्रवाई की जानकारी ली, स्थानीय स्तर से आ रही समस्याओं को दूर करने को कहा। एसडीएम ने बताया कि भूमि की कार्रवाई की जा रही है, खाता धारकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जा रहा है, सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, स्थानीय लोगों से मालिकाना हक मिलने तक सहयोग करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि बेरीनाग चौकोड़ी के लोग पिछले 3 दशकों से भूमि के मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं, पूर्व में सरकार के द्वारा कमेटी भी बनाई गई थी, तो लगातार जो लोग हैं वो जमीन के मालिकाना हक की मांग कर रहे थे। पिछले दशकों से इन लोगों की मांग थी कि जमीन का मालिकाना हक इन लोगों को दिया जाए, लेकिन अभी तक इन लोगों को इनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था। और अब आपको बता दें कि विधायक साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि जो लोग हैं उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा और सरकार इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो बेरीनाग चौकोड़ी के लोग हैं उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक कब तक मिलता है। बेरीनाग चौकोड़ी की सम्मानित जनता की कई वर्षों पुरानी मांग है कि उनका जमीन का मालिकाना हक मिले। हमने इसी सिलसिले में आज एसएम साहब के साथ बैठक की और सारे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ था और सरकार का पूरा प्रयास है कि उनको उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए तैयार है और कुछ ही प्रक्रिया के तहत कुछ ही समय बाद उनका मालिकाना हक दिलाया जाएगा। हरिद्वार में अगले साल कुंभ का आयोजन होना है और कुंभ के आयोजन को लेकर के धर्मनगरी सजने लगी है। आपको बता दें कि कुंभ के आयोजन को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है, प्रशासन चाक चौबंद इंतजामात करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल साल का पहला स्नान आगामी 14 जनवरी को धर्मनगरी हरिद्वार में होने जा रहा है। मकर संक्रांति के स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं हरिद्वार के यातायात और कुंभ पुलिस भी इस स्नान को कुंभ स्नान से पहले एक उदाहरण के तौर पर देख रही है। एसएसपी कुंभ मेला जन्मेजय खंडूरी का कहना है कि यह साल का पहला स्नान है, लेकिन इस स्नान का विशेष महत्व माना जाता है और इस समय देखा जाए तो कुंभ में काम आने वाली पुलिस भी मौजूद है और इस स्नान को कई जोन और सेक्टरों में बांटा जाना है। इसी की तर्ज पर हम आगामी कुंभ को देखते हुए इस स्नान को संपन्न कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही स्नान में जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उनको कोविड-19 के नियमों से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें गंगा मैया में स्नान करने की अनुमति मिलेगी। तो कुंभ को लेकर के एक और धर्मनगरी सजने लगी है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का जो स्नान है उस दौरान बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और इस बार कुंभ का आयोजन भी होना है, इसलिए आज से जो मकर संक्रांति पर स्नान होगा उसको काफी अहम माना जा रहा है। इंतजाम देखने को मिलेंगे किस तरह से यहाँ पर किए जाते हैं और नजरें रहेंगी कि जब कोरोना के बीच में स्नान के लिए लोग पहुंचेंगे तो उस दौरान महामारी के फैलने का खतरा भी जो है वो बना रहेगा, तो ऐसे में कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उनको भी श्रद्धालुओं को पूरा करना पड़ेगा। और अब नजरें रहेंगी प्रशासनिक तैयारियों पर कि प्रशासन इस पूरे मामले पर किस तरह से तैयारी करता है। को हम अगर कुंभ मेले के स्नान से जोड़कर देखे जाएं तो एक तरीके से साल का पहला स्नान भी यही है, तो उसके तहत हम अपने ट्रैफिक प्लान को क्राउड मैनेजमेंट के प्लान को एक अमली जामा पहना रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की ये मीटिंग हमारे द्वारा कॉल की गई है जिसमें कि हम ट्रैफिक प्लान को और क्राउड मैनेजमेंट प्लान को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि पब्लिक को भी कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और अच्छा स्नान भी रहे जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम फॉलो करा पाएं और कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि जो
पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसको लेकर जो सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मुनस्यारी में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। खलिया टांप काली मुनि क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हो रही है, यहां पर पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठाया है। बर्फबारी के कारण पूरे जिले में शीतलहर देखने को मिल रही है। तो पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर जो है वो पहाड़ों पर बिछ गई है और जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मनमोहक तस्वीरें सामने जरूर आ रही है, लेकिन इस बर्फबारी ने ठंड भी बढ़ा दी है। लोग एहतियातन अलाव या फिर गर्म कपड़ों के सहारे इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए या फिर घूमने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो मुनस्यारी में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद यहां पर मौसम सुहाना हो गया है और जो पर्यटक हैं वो इस नजारे का लुत्फ उठाते हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। अब नजरें रहेंगी प्रशासनिक इंतजामातों पर भी, क्योंकि बर्फबारी के बाद कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पर बर्फबारी की वजह से सड़क टूट जाती है या फिर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब ऐसे में प्रशासन किस तरह से इंतजाम करता है उन पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। मुनस्यारी में आज सुबह से ही कालाबुनी, बेटलीधार, पातलथौरा, खलिया टॉप, पंचाचूली, हसलिंग, छिपला केदार में भारी बर्फबारी हो रही है। निचले स्तर पर लगातार भारी वर्षा हो रही है और काफ़ी यहाँ पे ठंड बढ़ चुका है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देवभूमि मंथन में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।